उनके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मुझे बहुत प्यार करते थे और हमेशा कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ ओरिजिनल है और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने हमेशा दिया मुझे। बोले कि शब्द जो तुम बोलते हो वो शब्द बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे महान गायक, महान संगीतकार, महान कंपोज़र अगर ऐसा कह दे तो हमारे लिए तो आशीर्वाद से कम नहीं हुआ। उन्होंने विवाह फिल्म में भी मुझे 3-4 गाने गवाए, मतलब ऑलमोस्ट सभी गाने गवाए। मुझे हक है बहुत ही पॉपुलर गाने हुए, उसके बाद कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी, और फिर दो अनजाने अजनबी और पिक्चर म्यूज़िकल सुपरहिट हुई, राष्ट्रीय फिल्म, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी। और अभी अभी जस्ट यही सुरेश वाडकर जी के स्टूडियो में अन्ना हजारे जी के ऊपर एक फिल्म बन रही है जो उसमें मुझे उन्होंने सोलो गाने गवाए हैं। ये अन्नपूर्णा धरती, बड़ा ही खूबसूरत शब्द और बड़ा ही खूबसूरत गाना उन्होंने गवाया मुझसे। और जब मैंने गाया तो मेरे पीठ थपथपाए और बोले कि तुम बस ऐसे ही अच्छा गाते रहो। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में आ गए, बोले कि मुझे घर आना, तो मैं बोला कि इससे बड़ा भाग्य क्या होगा मेरे लिए। घर में आए और बोले कि कुछ नाश्ता करते हैं, तो मैंने कहा कि क्या खाएंगे आप बताएं दादा, तो बोले कि पोहा बना सकते, तो पोहा खाए और चाय वाय पिए, बड़ा हंसी ठट्ठा जोक सुनाते रहे। मतलब ऐसा लगा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना, मतलब खुश मिजाज, कितने दिल के बड़े, कितने कंपोज़र तो ऐसे थे कि हम लोग अगर उनके बारे में कुछ कहते हैं तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा फनकार का जाना, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरे दुनिया के लिए, ये बहुत ही दुखद है और ये कमी कभी पूरा नहीं हो सकती। और इतना ज़रूर कहूँगा कि वो एक इतिहास थे और अपना इतिहास लिख के गए, जो इतिहास हम लोग पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे।